नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IPL 2020 की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2020 में सभी 8 टीम्स की ट्रॉफी जीतने की रेटिंग के बारे में, यानी कि कौन सी टीम IPL 2020 में ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है, इस बारे में दोस्तों आज का वीडियो ये वीडियो है। और गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी फ्रेंचाइज के फैन की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो कोई भी फैन ऐसे ना सोचे कि उनकी वीडियो में उनकी टीम का नाम क्यों नहीं आया। और ये वीडियो हम टीम्स की करंट स्ट्रेंथ के आधार पर बना रहे हैं, बाकी क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर सारी प्रेडिक्शंस फेल हैं। तो गाइज, आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हम सनराइजर्स हैदराबाद टीम की, जहां पर दोस्तों इस टीम ने IPL में 2016 में एक खिताब अपने नाम किया है, जहां पर इन्होंने फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया था। और दोस्तों, इसके अलावा ये टीम 2018 के फाइनल में भी जगह बनाने में कामयाब हुई थी, जहां पर दोस्तों इनकी भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से हुई थी। और 2019 के IPL में ये टीम प्ले ऑफ तक गई थी। तो ओवरऑल इस टीम का प्रदर्शन पिछले 3 साल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा है। और दोस्तों, एक मेजर चेंज इस टीम ने किया है इनके कप्तान को लेकर, जहां पर इन्होंने डेविड वार्नर को IPL 2020 में कप्तान बनाया, जहां पर केन विलियमसन जिन्होंने कि 2018 में टीम को फाइनल में पहुंचाया और 2019 में प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाया, उनको जो है कप्तानी से हटा दिया है और अब डेविड वार्नर को नया कप्तान बना दिया है। खैर दोस्तों, वार्नर भी काफी अच्छे कप्तान है। तो दोस्तों, बात करें इस टीम की खिताब जीतने की रेटिंग की, तो इस टीम को मिलते हैं दोस्तों 10 में से 8.5 नंबर। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो दोस्तों, IPL का पहला ही सीजन इस टीम ने शेन वॉन की कप्तानी में जीता था, लेकिन दोस्तों उसके बाद इस टीम को मानो नज़र लग गई हो। और दोस्तों, इस साल भी इनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें निकल कर नहीं आ रही है, जहां पर ऑक्शन में इन्होंने अजिंक्य रहाणे को छोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों, इनके मेन फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर भी बाहर हो गए। हालांकि दोस्तों, ये टीम अभी भी आर्चर को लेकर इंग्लैंड बोर्ड से संपर्क कर रही है कि अगर आर्चर IPL से पहले फिट हो जाते हैं या फिर कुछ मैच ये इनको IPL में दे देते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। और इसके लिए दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रयास कर रही है, लेकिन दोस्तों क्योंकि अक्टूबर में वर्ल्ड T20 भी होने वाला है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आर्चर अब IPL में खेलने वाले हैं। और एक के बाद एक इनको काफी सारे झटके लगे हैं IPL 2020 से पहले, और दोस्तों ये झटके इस टीम के खिताब जीत के इरादों पर पानी फेर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इनकी रेटिंग की, तो दोस्तों इस टीम को मिलते हैं 10 में से 7 नंबर। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑन पेपर ये टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, जहां पर इस बार ये पूरे युवा खिलाड़ियों से भरी हुई टीम है, जहां पर काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है। और दोस्तों, गेंदबाजी में इनके पास खगीसो रबाड़ा है, तो वहीं बल्लेबाजी में भी इनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है। और अब तो इस टीम ने स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आर अश्विन को भी खरीद लिया है। और दोस्तों, इस बार इन्होंने मार्कस टोनिस, शिमरन हेटमायर जैसे इनफॉर्म खिलाड़ियों को भी खरीद लिया है। तो ऐसे में बात करें इनके कप्तान की, तो इस बार भी श्रेयस अय्यर ही इस टीम की कमान संभालेंगे। और दोस्तों, इनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले साल 6 साल के बाद में प्लेऑफ में क्वालिफाई करी थी, जहां पर दोस्तों पिछले साल बात करें कि इस साल की, तो दोस्तों इस साल ये टीम बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देने का दम रखती है। तो दोस्तों, इस टीम को मिलते हैं 10 में से 8.5 नंबर। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की। तो दोस्तों, आर अश्विन को इस टीम ने रिलीज़ किया है और KL राहुल को अपना नया कप्तान घोषित किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये टीम भी अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। हाँ, 2014 में ये टीम रनर अप जरूर रही थी, जब ग्लेन मैक्सवेल उस समय काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। और दोस्तों, 2014 में KKR के खिलाफ इस टीम ने फाइनल खेला था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर ये टीम हार गई थी। और अभी भी इस टीम को अपनी पहली ट्रॉफी का इंतज़ार है। और दोस्तों, इस टीम में भी KL राहुल, क्रिस गेल, निकोलस पुरन, सरफराज खान जैसे कुछ नाम हैं जो कि इनका ये सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और बार इनकी बॉलिंग में समस्या होने वाली है, क्योंकि अश्विन भी चले गए हैं, तो इस टीम को बॉलिंग में ज़रूर थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस टीम को मिलते हैं 10 में से 7.5 नंबर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं सबकी फेवरेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम की। तो दोस्तों, इस टीम की फैन फॉलोइंग तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को भी टक्कर देती है, या फिर कहें कि इन MI और CSK से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग इस टीम की है। लेकिन दोस्तों, इस टीम का हाल जो है वो ऊंची दुकान और फीके पकवान जैसा ही रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नाम इस टीम में खेल चुके हैं, लेकिन दोस्तों बावजूद इसकी ये टीम एक भी बार जो है वो IPL ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये टीम बिल्कुल ही फिसद्दी साबित हुई है। ये टीम 3 बार IPL के फाइनल में पहुंची है, जहां पर 2009, 2011 और 2016 में ये टीम जो है वो फाइनल में पहुंची थी, लेकिन बस फाइनल में ये टीम जीतने में कामयाब नहीं हुई है।
लेकिन इस बार दोस्तों इस टीम की बॉलिंग की समस्या भी सुलझ चुकी है और ये टीम इस बार कड़ी टक्कर देने को तैयार है। और इनकी टीम, इनके कप्तान ने भी कहा था कि इस बार इनके पास एक बैलेंस टीम है और इस टीम के साथ वो यहाँ पर कुछ कारनामा कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें पॉइंट्स की, तो इस टीम को मिले हैं 10 में से 8 नंबर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम की। तो दोस्तों आईपीएल इतिहास में अगर कोई टीम सबसे सफल साबित हुई है तो वो है दोस्तों अंबानी एंड कंपनी की मुंबई इंडियंस टीम। दोस्तों चाहे बिजनेस हो या फिर क्रिकेट, हर जगह अंबानी ही आगे चल रहे हैं और एक के बाद एक टीम ने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, जहां पर दोस्तों 2013, 2015, 2017 और 2019 में इन्होंने ये कारनामा किया है। और इसके अलावा दोस्तों 2010 में ये टीम फाइनल में पहुंची थी। तो दोस्तों ये टीम काफ़ी मजबूत है, जहां पर इनके पास रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद है। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर से फैब फोर का हिस्सा है और इस टीम को मिलते हैं 10 में से 9.5 नंबर। वहीं पर दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम है, जहां पर 3 बार ये टीम फाइनल जीत चुकी है, तो वहीं 5 बार ये टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। और दोस्तों ये 5 बार इनकी जीत के अलावा के साल हैं, यानी कि 3 बार तो इन्होंने खिताब जीता और जो पांच बार ये टीम फाइनल में पहुंची है, उन 5 बार में ये फाइनल हारी है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टीम कितनी काबिलियत रखती है। और दोस्तों हर बार ये टीम फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। अब तक आईपीएल में कुल 12 सीजन हो चुके हैं, जिसमें से 5 बार ये टीम फाइनल में पहुंची है, 3 बार फाइनल जीती और 4 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों काफ़ी सक्सेसफुल टीम ये रही है और इसका रीज़न है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। और इस बार ये टीम भी फैब फोर का हिस्सा है और इस टीम को मिलते हैं दोस्तों 10 में से 9.5 नंबर। और अंत में दोस्तों बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो दोस्तों इस टीम ने 2 बार 2012 और 2014 में आईपीएल जीता है और इसके अलावा दोस्तों ये टीम भी जो है वो एक बार फाइनल में अपनी या फिर कहें कि एक बार भी इनके अलावा फाइनल में जगह बनाने में कामयाब नहीं है। और दोस्तों कह सकते हैं कि इस टीम का एवरेज परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल के दौरान, जहां पर दोस्तों इनके पास आंद्रे रसल हैं जो कि इनके तुरुप के इक्के रहते हैं। और दोस्तों पिछले साल तो इनका ड्रीम सीजन रहा था और दोस्तों यहां पर आंद्रे रसल ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी अपनी टीम को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करवाने की, लेकिन दोस्तों यहां पर नाकाम रहे थे। और दोस्तों इस बार तो केकेआर ने पैट कमिंस को भी 15.5 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि देकर खरीदा। तो दोस्तों इनके साथ ये उम्मीद करेंगे कि इस बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करें। तो दोस्तों इस टीम को मिलते हैं 10 में से 8 नंबर। अब दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल का खिताब जीत रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आईपीएल 2020 की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेली न्यूज अड्डा को और बेल आइकन को जरूर से दबा लें। धन्यवाद।